हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स 12 को यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो होता है कई स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन में ये पूछता है क्वेश्चन ये कैसा होगा और यहाँ पे कि इसमें क्या करना है, तो इसका इतना इतना करना है। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि पहले रो में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी देखिए, एक्स को R1 को X1 से X से गुना किए, R2 को गुना करेंगे Y से R2, और यहाँ पे R3 को गुना करेंगे R3 C into में R3, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। और जब इस तरीके से करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, RHS इक्वल टू RHS लाना होगा। तो हम यहाँ पे धीरे धीरे करेंगे, अब यहाँ पे आगे धीरे धीरे करेंगे तभी रास्ता खुलेगा और इसका आने की संभावना बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसको x मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू में y प्लस में z इतना का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर y बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, z x स्क्वायर बन जाएगा। पहले हम रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पहला रो में x से, दूसरा रो में y से, तो यहाँ पे x y का स्क्वायर, यहाँ पे y इंटू में एक्स प्लस में जेड इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, इसमें जेड से मल्टीप्लाई करें तो एक्स जेड का स्क्वायर, फिर यहाँ पे वाई जेड का स्क्वायर, फिर यहाँ पे जेड इंटू में एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर, और ये इतना बराबर में क्या हो जाएगा वो आपको लाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पहला कॉलम से क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड और देखिए कि इसको मल्टीप्लाई किया किसी रो में, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, वन बाय एक्स वाई जेड से डिवाइड करना पड़ेगा। पहला रो में मल्टीप्लाई किया तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा रो में मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ेगा, तीसरा रो में मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक्स वाई और जेड कॉमन, ठीक है, आर लगा दीजिए, आर कॉमन फ्रॉम सी वन सी टू एंड सी थ्री, मतलब यहाँ पे सी वन सी टू एंड सी थ्री से हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये कॉमन लेंगे तो इसमें एक्स कॉमन हो गया, इस दूसरा कॉलम में वाई कॉमन, देख सकते हैं यहाँ वाई है, वाई है, वाई है, यहाँ पे जेड 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 आ गया, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा कितना, नीचे में एक्स वाई जेड है, और ये डिटर्मिनेंट जो बच गया वो इतना बचेगा वाई प्लस में जेड, वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको बचेगा वाई स्क्वायर और यहाँ पे जेड स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो वाई तो हट गया कॉमन हो गया, तो यहाँ पे एक्स प्लस में जेड का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ पे वाई जेड का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ वाई कॉमन ले चुका है, जेड स्क्वायर बचेगा, और ये बचेगा एक्स वाई का होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको भी आप क्या करना है, पहले देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने में कैसे करेंगे कि ताकि हमें इस समय से कोई आ जाए, ठीक है। अभी तक में कोई प्लान नहीं बना है क्या बनेगा, अच्छा ऐसा कर सकते हैं अब यहाँ पे कि इसको ये जो कॉलम है एक्स स्क्वायर, इस कॉलम में से मतलब घटा देते हैं, और इसको इसमें से घटाए तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा, ठीक है। और जब इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ भी जीरो बन जाएगा, और जब इसको इसमें से घटाएंगे तब कोई फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा ही कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे C1 टेंडिंग टू C1 माइनस में C3, एंड C3 टेंडिंग C2 टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, C2 माइनस में C3। तो ये ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद आपका ये जो हो जाएगा बनेगा वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर, तो ये y प्लस का z स्क्वायर, y प्लस z का होल स्क्वायर है, तो इसमें से x स्क्वायर घटेगा, तो यहाँ पे पहले देखिए ये y प्लस में z का होल स्क्वायर रहेगा ही और माइनस में x स्क्वायर हो गया, क्लियर। और जैसे में ये x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, और जब इसको इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और जब इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे x प्लस में z इसका होल स्क्वायर माइनस में y का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो है z स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा z स्क्वायर माइनस में
एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर, ठीक, और ये हो जाएगा जेड का होल स्क्वायर, और ये एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सी वन टेन इंटू सी वन माइनस में सी थ्री, सी टू टेन इंटू क्या हो जाएगा सी टू माइनस में सी थ्री। अब हम यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए इसके आगे जो करेंगे ये इस तरीका से करना है, मतलब इसका फॉर्मूला जो होगा y प्लस में देखिए ये हो गया a का स्क्वायर और ये हो गया b का स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया a का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा इधर प्लस में इधर माइनस में, तो y प्लस में z और यहाँ पे e प्लस में एक बार लिखेंगे प्लस में x, तो एक बार यहाँ पे फिर से लिखेंगे y प्लस में z माइनस में x इस तरीका से, और यहाँ पे जीरो का जीरो लिखेंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे जीरो का जीरो है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो एक्स प्लस में बन जाएगा जेड, एक्स प्लस में जेड माइनस प्लस में फिर हो जाएगा वाई, और फिर से यहाँ पे एक्स प्लस में जेड माइनस में वाई इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे जेड प्लस में एक्स प्लस में वाई बन जाएगा, और यहाँ पे जेड माइनस में एक्स और माइनस में वाई बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा फॉर्मूला, और फिर यहाँ पे जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर में से वन सेकेंड जब इस तरह से घटाएंगे इसको, तो यहाँ भी फॉर्मूला बन जाएगा क्या चीज, जेड स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर, यहाँ भी बनेगा फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये जेड स्क्वायर, तो मतलब जेड प्लस में हो जाएगा एक्स प्लस में वाई, और यहाँ पे फिर से z माइनस में x माइनस में y इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो हो जाएगा वन हो जाएगा x प्लस में y का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये चीज हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहला कॉलम में और दूसरा कॉलम में कॉमन है, वो कौन सी चीज कॉमन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं x प्लस में y प्लस में z, मतलब इस कॉलम में भी है और इस कॉलम में भी है, इस कॉलम में जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कॉमन हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस जेड, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये दो दूसरा कॉलम है, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमन x प्लस वाई प्लस में जेड कॉमन इज कॉमन फ्रॉम सी वन एंड सी टू, ठीक है, सी वन एंड सी टू से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस में जेड, यहाँ ध्यान से देखा जाए दो कॉलम में कॉमन हो रहा है, इसका स्क्वायर वाई प्लस में जेड माइनस में एक्स, और फिर यहाँ पे जीरो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा जीरो, यहाँ पे हो गया ये हो जाएगा एक्स प्लस में जेड माइनस में वाई, और यहाँ पे वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स जेड माइनस में एक्स माइनस में वाई, यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस में वाई, और ये एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, तो यहाँ पे आर थ्री में जाना है, ठीक है, आर थ्री में जाकर यहाँ पे क्या कर देना है कि आर थ्री में से घटा देंगे आर वन और आर टू को जोड़कर, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, जब इसको घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x प्लस में y प्लस में z इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो बनेगा यहाँ पे ये y प्लस में z प्लस में माइनस में x तो रहेगा ही, यहाँ पे जीरो रहेगा और यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो, और यहाँ पे x प्लस में z माइनस में y और ये y स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो z में से z घट जाएगा, ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो y माइनस में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये माइनस x x कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, तो माइनस में 2y बनेगा, ठीक है, जब इसको इसमें से इसको भी जोड़ेंगे ना, तो इसको जोड़ेंगे तो ये चीज घटाएंगे इसमें से, तो यहाँ पे क्या कटेगा, तो y से y कट जाएगा और z से z कट जाएगा, मतलब जिस साइन में जो साइन में है घटा रहे ना, इसीलिए यहाँ पे जो साइन पॉजिटिव पॉजिटिव कट जाएगा, निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, तो बचेगा माइनस में 2x, और यहाँ पे जो बचेगा जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा कितना 2xy बचेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कॉलम में मतलब रो में कॉमन हो जाएगा कितना 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, अगर ये 2 कॉमन ले लेते हैं
तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2x + y + z और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। तो दोस्तों हमें लाना क्या है, ये चीज लाना है। तो इसमें स्क्वायर आ चुका है, 2 आ चुका है, तो x y z लाना है और ये क्यूब लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे y + z माइनस में x, यहाँ पे 0 और यहाँ पे x² और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे x + z माइनस में y और ये y का स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा y, यहाँ माइनस में x और यहाँ पे xy, इतना आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब इसको छोटा करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, छोटा करना है तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मतलब काम बढ़ जाएगा मतलब। तो इस तरह से क्या करना है कि इसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो आप इस तरह से देख लीजिएगा, एक्सपेंड कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंड करना आपका काम है, तो इसको एक्सपेंड करने पर ये क्या आ जाएगा, x + y + z इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो बनेगा, जो इसको इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे y + z माइनस में x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। जब इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x + z माइनस में y और इसको इसके साथ गुना होगा xy के साथ, तो माइनस में हो जाएगा कितना, देखिए करना चाहेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ गुना होगा तो x² y हो जाएगा, और फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे x y z हो जाएगा, और जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो xy का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा कितना, तो xy का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया तो कितना किसका मान हो गया, ये तो ये हो गया, यानी कि ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया इसको इससे गुना करने पर। अच्छा अब यहाँ पे घटाने पर भी हो गया ना, तो ये हो गया मेरा इसके स्टेट में हो गया, ठीक है। अब चाहे तो जीरो के स्टेट में निकाल सकते थे, इसको इससे गुना कर तो 0 और इसको इससे गुना कर तो y³ और जीरो के स्टेट में कुछ भी रहेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो माइनस में लिख सकते हैं माइनस में, और जीरो के स्टेट में कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा, और प्लस में x² के स्टेट में निकालेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 और इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस से गुना करें तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाना रहता है तो प्लस में हो जाएगा xy हो जाएगा, प्लस में xy, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में y, ये भी प्लस हो जाएगा yz, और फिर इसको गुना इसके साथ करेंगे तब माइनस में है तो यहाँ माइनस में ही होगा, ठीक है, माइनस में y का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये इतना हो गया, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो आप देख लीजिएगा, तो आपको ये कॉमन आ जाएगा 2xyz, तो कॉमन आ जाएगा इधर से, ठीक है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई अभी इसके साथ करना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो कट गया, तब ये दो ही चीज बच गया हुआ है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए पूरा के साथ, और इसको पूरा के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा, ठीक है, तो इतना आएगा। फिर यहाँ पे x + y + z इसका स्क्वायर है, और इधर से x + y + z फिर से आएगा, इसके पावर में 3 हो जाएगा, ये RHS बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, और दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।